हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIB 19 एग्ज़ाम के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि AIB 19 के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और 13 सितंबर को यानी आज ही के दिन उस पर सुनवाई होने की संभावना है। तो आज हम उसी सिलसिले में बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, AIB 19 के संबंध में जो याचिका पड़ी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है, आगे इस पर क्या हो सकती है, क्या AIB 19 का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा या फिर जो AIB 19 का एग्ज़ाम है वो अपने तय सीमा पर होगा। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIB 19 की नोटिफिकेशन को दिल्ली विश्वविद्यालय के LLB फाइनल सेमेस्टर के छात्रों के द्वारा चुनौती दी गई है। उनकी प्रमुख मांग यह है कि जो AIB 19 का जो नोटिफिकेशन आया है उसको रद्द किया जाए और जो LLB फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको भी AIB 19 के एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए, उन्हें फॉर्म भरने का अवसर दिया जाए, या अंतरिम तौर पे जो AIB 19 का जो नोटिफिकेशन आया है उस पर रोक लगा दी जाए। तो इस प्रेयर के साथ, इस उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र जो ला फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं वो गए हुए थे, उसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी, आज जिस पर सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चर्चूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के पीठ के समक्ष ये मामला लगा हुआ था। आज इस मामले पर बहस हुई और बहस के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि वह नियम और प्रक्रिया बनाने के प्रक्रम में है। इस पर CJI DY चर्चूड़ ने पूछा कि नियम बनाने की समय सीमा क्या है, आप कितने समय में नियम बनाएंगे। इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि वह इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से दिशा निर्देश प्राप्त कर लेते हैं कि नियम कितने समय में बन जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने मामले को अगले हफ्ते के लिए सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक सप्ताह का मौका दिया गया है अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कि AIB 19 का जो फॉर्म आया है उस पर उनका क्या रुख है, क्या जो ला फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको AIB 19 में बैठने का मौका BCI के द्वारा दिया जाएगा, क्या जो नोटिफिकेशन आई है उसको आगे के लिए पोस्टपोन किया जाएगा, या फिर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या पक्ष रखती है, ये देखने वाली बात होगी। तो अब मामला जो है अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अगले हफ्ते जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है कि वो जो नियम बनाने की बात कर रहे हैं, प्रक्रिया जो चल रही है उसको कितने समय में पूरी होगी और किस तरीके से ये जो है नियम और प्रक्रिया बनाए जाएंगे। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एडवोकेट को एक हफ्ते का मौका दिया है कि आप एक हफ्ते के अंदर ये बताएं कि नियम कब तक बन जाएगा। तो अगले हफ्ते इस पर जो है सुनवाई होने की उम्मीद है। उसके बाद से पूरी उम्मीद है कि AIB 19 एग्जामिनेशन को लेकर के जो ये याचिका पड़ी है इस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। तो अब जो है इस मसले पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना है। तो देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना क्या पक्ष रखती है, क्या वो AIB 19 का जो शेड्यूल है उसको पोस्टपोन करती है या उस नोटिफिकेशन में बदलाव करती है और जो ला फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको AIB एग्ज़ाम में बैठने का मौका देती है। तो ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के बोनी FOI ला कॉलेज के मसले पर दिए गए फैसले के अनुपालन में ला फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को AIB एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। उस फैसले में बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें ये भी कहा गया था कि BCI हर साल जो है 2 बार AIB एग्ज़ाम आयोजित कराएगी। तो उसी जजमेंट के आधार पर BCI के 3 सितंबर के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है, जिसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां पर यह कहा गया है कि LLB फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको AIB 19 एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ला जो फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट है आपसे मांगा जा रहा है, आपको वहाँ पर अपलोड करना है। तो यानी कि जो लोग LLB पास कर चुके हैं वो वही लोग AIB 19 का फॉर्म भर सकते हैं, अपियरिंग वालों का कोई जो है मौका नहीं दिया गया है। तो इसीलिए
इस जो है नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो एक हफ्ते के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना जवाब देना है और ये देखना होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस मसले पर अपना क्या जवाब लगाती है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और फिर आगे ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर अपना क्या फैसला देता है। तो जैसे इस संबंध में कोई सूचना मिलेगी मैं कोशिश करूँगा आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बता सकूँ। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न है इससे संबंधित, एडवोकेट से रिलेटेड, बार काउंसिल से रिलेटेड, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।